नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है सुमन मैकेनिकल स्पोर्ट। और दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे कि कैसे आप वन टू वन किट को आप रिपेयर कर सकते हैं। ये इस रिपेयरिंग सीरीज का ये पहली वीडियो है, तो चलिए इसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे मुख्य फॉल्ट उसके क्या आते हैं। सबसे मुख्य फॉल्ट किसी भी इन्वर्टर का मॉस्फेट शॉर्ट होना, मॉस्फेट उड़ जाना, यही आता है। तो चलिए हम इस फॉल्ट को कहाँ से कैसे चेक करें और क्या करना है हमको, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप वीडियो बताने से पहले हम आपसे कहते हैं कि अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा या फिर उसके हिसाब से और वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, जहाँ समझ में ना आए या फिर कहीं और फॉल्ट हो। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो, चलिए अब हम अपने वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि वन टू वन किट के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था और आपके कमेंट के हिसाब से हमें लगा कि हमें भी वन टू वन किट पर कुछ वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं सारे कुछ इसकी सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिससे इससे पहले मैंने जो लोकल लंबी वाली किट होती है उसके सीरीज की पूरी सीरीज की ओवरव्यू की थी, और इसी तरह मैं वन टू वन की किट की करूँगा। उसके बाद माइक्रोटेक, सुकम, ल्यूमिनस इत्यादि सभी की होगी, लेकिन धीरे धीरे बारी बारी से। तो चलिए इस बार हम वन टू वन किट की फुल रिव्यू के साथ में हर पार्ट बाई पार्ट की रिपेयरिंग के बारे में भी हम वीडियो के बारे में जानेंगे कि अगर हमको रिपेयरिंग करना है तो क्या क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये वन टू वन किट के मुख्य चीज़ को हम जान लेते हैं ताकि हमको समझने में आगे समझने में आसानी हो। क्योंकि मुख्य चीज़, जैसे कोई वायर टूटा हुआ आ गया या किसी के वायरिंग टूट चुकी है या जर्जर हो चुकी है, तो आप कैसे वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले उसको जान लेना ज़रूरी है। वैसे तो बोर्ड के साथ में डायग्राम आती है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी है और डायग्राम नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ इजीली और सिंपली होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि सिंपल तौर पर हर इन्वर्टर में यहाँ पर निगेटिव आपकी 12 वोल्ट होती है, सो इसमें भी होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैक लगी हुई होती है और वहाँ से आपकी एक पॉजिटिव 12 वोल्ट दी जाती है डायरेक्ट मेन ट्रांसफार्मर से, सो इसमें आप पॉजिटिव देख लीजिएगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 वोल्ट लगाने का भी व्यवस्था है, अगर आप चाहें तो इसे 24 वोल्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक 78012 लगी हुई होती है और दो कंडेंसर और कुछ हल्के फुल्के आपको चेंजिंग करने होते हैं, बाकी आई है 24 वोल्ट की हो जाएगी। अब चलते हैं इसके बाद हम मुख्य जैक की ओर, तो जो मेन सप्लाई की जैक है उसकी ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों, मुख्य जैक की ओर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन है। ये है आपकी कंडेंसर के लिए, इससे आप कंडेंसर की, जैसे कि अगर आप चाहें तो अगर आउटपुट में अगर आप कंडेंसर लगाना चाहते हैं तो आप कंडेंसर लगा सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आप कंडेंसर लगा सकते हैं और उससे आपकी पंखियों इत्यादि की हमिंग कम हो जाएगी, उसके लिए है वो। और उसके बाद जो है अगली हम चलते हैं सबसे पहले जो इस सिरे की ओर, ये सिरा आपका न्यूट्रल है, सॉरी ये न्यूट्रल सिरा है, इस पर आपकी न्यूट्रल दी जाएगी। तो न्यूट्रल के लिए आप करना क्या है, यहाँ पर आप मेंस जो वायरिंग के जो न्यूट्रल देते हैं वो आप न्यूट्रल दे दीजिएगा, आपकी न्यूट्रल जो है वो वहाँ पर चाहिए। अगर न्यूट्रल नहीं रहेगी तो आपको ये, तो दोस्तों इसके बाद आपको ये जो है आप इस किनारे हम लेते हैं, तो ये होगी आपकी न्यूट्रल की टेपिंग। यहाँ पर आप न्यूट्रल दे दीजिएगा और इससे इस न्यूट्रल में, इस किट में इस न्यूट्रल से आप चेंज ओवर के वर्क का काम लिया जाता है और इसमें इस न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। उसके बाद वाली जो टिपिंग है आप देख सकते हैं कि
इस पर हमने न्यूट्रल लिख दिया है, आप इसका न्यूट्रल कनेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद वाली जो है 140 की टेपिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये 140 वोल्ट वाली टेपिंग, यानी कि ये टेपिंग सीधे आपकी ट्रांसफार्मर पर के सेंटर पिन पर जाएगी, सेंटर वाली टेपिंग पर जाएगी, जो आपकी चार्जिंग की पिन है, चार्जिंग की जो टेपिंग होती है उस पर ये जाएगी, और यहीं से आपकी चार्जिंग कंट्रोल होती है। इसी टेपिंग से आपकी चार्जिंग वोल्ट मिलती है, अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं मिलेगी तो आपकी चार्जिंग भी नहीं होगी। तो इसके बाद जो ये होगी, ये चार्जिंग की होगी, और उसके बाद हम चलते हैं तीसरी पिन की ओर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरी टेपिंग है, ये आपकी आउटपुट की टेपिंग हो जाएगी, यानी कि ये आपकी जो है इन्वर्टर और यानी कि इन्वर्टर मोड में और एसी मोड में, दोनों मोड में जो है ये आउटपुट की सप्लाई देती है, और यहाँ से आउटपुट आपकी मिलती है। तो ये तीसरी जैक की जो है, ये जैक की तीसरी पिन जो है, ये आपकी आउटपुट की हो गई, यहाँ पर आउटपुट की सप्लाई देंगे। और उसके बाद जो जैक है, ये आपकी जो चौथी जैक है, यहाँ से इधर से ये आपकी हो गई 250 या 270 या 280, जो भी आपकी ट्रांसफार्मर की टेपिंग निकली हो, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की सबसे बाहर वाली लूप होती है, जो सबसे लास्ट वाली, जिस जो हमारी इन्वर्टर की आउटपुट देती है, वो टेपिंग इस पर जुट जाएगी। और ये आपको अक्सर 270 या 280 वोल्ट होते हैं, इस पर चली जाती है, और इसे हम 270 वोल्ट की टेपिंग कहते हैं। और उसके बाद जो टेपिंग है, वो टेपिंग आपकी चली जाती है जो आपकी मेंस, यानी कि जो फेज आती है, जो आपकी मेंस इन करते हैं फ्यूज के माध्यम से या स्विच के माध्यम से, जो फेस होती है वो फेस है, और ये फेस आपकी मेंस आती है, और इसी फेस से आपको चार्जिंग विभाग में जाती है, चेंज ओवर विभाग में जाती है यहीं से, और यहीं से आपकी आउटपुट भी मिलती है। तो इन्वर्टर के माध्यम से जो आउटपुट मिलती है, तो ये फेस यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। और उसके बाद जो लास्ट वाली मैंने आपको बताई थी, वो कंडेंसर की है, यानी कि वहाँ से आपको कंडेंसर दी जाती है। अगर आपकी कंडेंसर लगाते हैं तो इन्वर्टर के दौरान जैसे पंखे में हमिंग इत्यादि होते हैं, वो सब उससे कम हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस जैक की ओर। ये जैक जो है एलईडी और सब की है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप सबसे किनारे जो है दोनों लाल वाले देख रहे हैं, वो दोनों आपकी स्विच की है, यानी कि इसे इन्वर्टर स्विच यानी बैटरी मोड में ऑन ऑफ किया जाता है। उसके बाद वाली जी ये जो टेपिंग है, ये चार्जिंग की है, और उसके बाद वाली ये जो है ये कॉमन की है, उसके बाद वाली ये जो टेपिंग है यहाँ पर लिखी हुई है, लो बैटरी की है, और उसके बाद वाली जो टेपिंग है ये ओवरलोड की है, और उसके बाद वाली जो टेपिंग है वो आपकी इन्वर्टर की मेंस की है, और सबसे लास्ट वाली जो टेपिंग है वो इन्वर्टर की टेपिंग है। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको समझ गए होंगे कि इसकी कनेक्शन कैसी है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि और इसके प्रीसेट के क्या क्या काम है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।